आपने एक भजन सुना होगा, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे को डरे। लेकिन छत्तीसगढ़ में जंग चल रही है कि राम जी मेरा करेंगे बेड़ा पार या तेरा करेंगे बेड़ा पार, मेरे राम तेरे राम। छत्तीसगढ़ की चुनावी वैतरणी पार करने के लिए सियासी दलों की अपनी रणनीति है। सभी दल अपने अपने मुद्दों पर मतदाताओं का विश्वास जीतने की कोशिश में है। ऐसे में धर्म का मुद्दा फिर हावी है। शनिवार को जब पीसीसी चीफ दीपक बैज जिला कांग्रेस की बैठक लेने पहुंचे, तब इसकी झलक देखने को मिली। उन्होंने गांधी चौक में ऐतिहासिक कांग्रेस भवन में निर्मित बजरंगबली के मंदिर का दर्शन तो किया ही, प्रभु श्रीराम और बजरंगबली का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ होने का दावा किया। तो उनका एक ही सहारा है मोदी, बस मोदी सहारा है। मोदी तो देख लिए हम लोग, कर्नाटक में भी देख लिए और हिमाचल में भी देख लिए, अब छत्तीसगढ़ भी देखेंगे। बजरंगबली आपके साथ है, बजरंगबली हमारे साथ है, भगवान राम भी हमारे साथ है, उनके पास कुछ नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ मोदी जी भी हैं, भगवान राम और हनुमान भी हैं। और आज कांग्रेस के लोग भगवान राम का नाम तो ले रहे हैं, कभी जिस भगवान राम को आपने काल्पनिक कहा, उनके मंदिर के निर्माण में लगातार रोड़े अटकाए, आज राम राम चिल्ला रहे हैं कांग्रेस के लोग। तो ये अच्छी बात है, वो राम का नाम लें, पर भगवान राम भी हमारे साथ हैं, हनुमान जी भी हमारे साथ हैं और मोदी जी तो हमारे नेता है ही। तो अब इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे पास कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से प्रतिनिधि जुड़ रहे हैं, सुरेंद्र वर्मा जी जुड़ गए हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस। मेरे राम तेरे राम की जंग चलने लगी है, सर क्या कहना चाहेंगे? और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने निशाना साधा कि हमारी वजह से ये नौबत आई कि राम का नाम नहीं लेने गए। गर्ग जी, भाजपा ही याद करे, 15 साल इनको अवसर मिला था राम काज करने का। राम तो प्रभु श्री राम सभी के हैं, छत्तीसगढ़ में तो भाषा के रूप में पूजे जाते हैं, माता कौशल्या का एकमात्र मंदिर दुनिया का, राजधानी रायपुर से 27 किलोमीटर पर है, कितने बार गए बताएं और क्या किए ये बताएं। और राम वन गमत पद को संवारने का काम पहले दिन से ही भूपेश बघेल सरकार ने बीड़ा उठाया है। 2250 किलोमीटर का क्षेत्र है, उत्तर में सीतामढ़ी हर चौका से दक्षिण में सुकमा के रामाराम तक, और उसके साथ साथ जो शिविरी नारायण है, तुरतुरिया है, राजिम है, तमाम जगह है जहां पर प्रभु श्री राम जी ने वनवास का अल्पसंख्यक समय बिताया था। तो मैं सर मुद्दे पे आना चाहूंगा, जयेश चौहान साहब भी जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से, कि अल्टीमेटली जो अरुण साव जी कह रहे हैं उससे आप सहमत हैं? वो कह रहे हैं कि हमारी वजह से आपको याद आए। जी 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 महोदय, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो राम के लिए सत्ता में आती है, और कांग्रेस जो है वो सत्ता के लिए राम को पूजती है। तो ये सबसे बड़ा फर्क है। और दूसरी बात ये बता दूं कि अभी अभी सुरेंद्र वर्मा जी बोल रहे थे 2250 किलोमीटर की जो सड़क बना रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 2250 किलोमीटर की जो सड़क है उसमें आपने सड़क कितनी कंप्लीट की है? योजना तो आपने बना दी, और 9 आपने जगहें चुनी हुई हैं, 9 जगह में से कितनी जगह पूरी हुई है तो मैं बता सकता हूँ कि कितनी पूरी हुई है। इनको ये पता नहीं है कि कितनी जगह पूरी हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी है। बात करते हैं, और जो राम के अस्तित्व को ही नहीं मानते हैं, वो राम की आज पूजा करने का वो मजबूर हो गए हैं, वो सिर्फ इसलिए हो गए हैं। ठीक है सर, आपने अपनी बात कह दी। आखिरी प्रतिक्रिया चाहूंगा सुरेंद्र जी से, बड़े आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि भगवान के नाम पर ऐसा 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 हुआ। गर्ग जी, इन भाजपाइयों को यह पता नहीं कि 75 स्थल है छत्तीसगढ़ में, जिसमें पहले चरण में 9 जगह पूरे हुए, दूसरे चरण में चरण का काम 14 जगह, और अब तो तीसरे चरण का काम शुरू हो रहा है। ये चंदाचोर भाजपाई छत्तीसगढ़ में मंदिर के चंदा के लिए बिलासपुर में मंदिर रसोद में इनके खिलाफ भाजपाइयों के खिलाफ मामले दर्ज है। वो 10 रुपए का रसीद दे के 100 रुपए चंदा लेने वाले, और 1992 में आपको याद होगा विश्व हिंदू परिषद ने आरोप लगाया था 1400 करोड़ चंदा चोरी का, और भगवान राम। ठीक है सुरेंद्र जी, यानी कि कहीं ना कहीं सुरेंद्र जी, केएस चौहान जी ने दोनों के बयानों से स्पष्ट रूप से है कि दोनों के राम हैं और दोनों राम के मुद्दे पर अपनी अपनी तरह से मजबूत हैं। आप दोनों मेहमान हमसे जुड़े, आपने अपनी बात दर्शकों तक रखी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।